सो बाय बाय कहने का टाइम आ गया है। आज नए ब्लॉग की शुरुआत यहीं से हो रही है। होटल को गुड बाय कह रहे हैं और चलते हैं यहाँ से चेकआउट करने। मिलते हैं फिर बाहर। सुबह की शुरुआत हो चुकी है और यार ये देखने को मिल रहा, देखो बर्ड्स, एक वहाँ पे ये और एक यहाँ पे। कल ही मैंने दो तीन देखी थी, हिट हो जाती हैं कार से। कोई गाड़ी आ रही है वो उड़ के जा रही होंगी। एक उधर भी है। ओहो ये भाई उगता हुआ सूरज और बड़े बड़े पहाड़ों के बीच देख सकते हो आप, व्यू को एंजॉय कर सकते हो वीडियो में देख के, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में। लोग यहाँ से हाइकिंग करने जाते हैं। ट्रैक बना हुआ है यहाँ पे, बहुत लोग आते हैं यहाँ पे। इन विंटर यहाँ पे स्नो हो जाता है पूरा का पूरा। ये जो आप एरिया देख रहे हो ना, जैसे उधर है सब पे स्नो, इस रोड पे भी स्नो आ जाता है पूरे में। यहाँ पे काम चल रहा है रोड का, तो इधर से डाइवर्ट किया हुआ है। शक पक बाबा, यहाँ पे कोई शक पक बाबा का पार्क बनाया हुआ है, पता नहीं मज़ा आ रहा है कि पार्क है। ये वाला जोड़ दिया है हमें, पता नहीं ये हाईवे क्या है। चलो आगे देखते हैं। स्कूल के बच्चे खड़े हैं, साइकिल के लेन इधर बनाई हुई है देख सकते हो। ये गांव है इनका और हाईवे अब गांव से होके गुजर रहा है। ये है भाई, इन पहाड़ों के बीच से जा रहे हैं देख सकते हो वैली, और ट्रेन जा रही है वहाँ से छुक 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 करके, और हम यहाँ से जा रहे हैं साइकिल से। तुर्किस्तान तुर्किस्तान देखो भाई, ये देखिए तुर्किस्तान। ये क्या है भाई, व्हाट इज दिस मैन, गर्मी। ओहो स्मूथ जाएगी भाई बिना पैडल के। क्या हो रहा है, हो क्या रहा है, देख रहे हो क्या रहा है भाई, ऐसे भी रास्ते आते हैं देख रहे हो। एकदम क्लीन है भाई, ओ एकदम क्लीन। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। उश उश, तो क्या कर रहे हैं भाई ये लोग, 110 लिखा है भाई, तुम लोग क्या कर रहे हो। और हमारे पीछे गुरु जी, ओ मेरे, मैप में देखते हैं किधर रास्ता सीधे। ये है यूरोप, तो ये देखो क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं, देख रहे हो, देख रहे हो मेरी साइकिल से व्यू, देखो मेरी साइकिल से। साइकिल चला रहे हो आप समझो, एलईडी के सामने बैठे हुए हो और देखो कैसा लग रहा है। ऐसा इमेजिन करो कि साइकिल का हैंडल तुमने पकड़ा है और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं और हवाएं तुम्हारे कपड़ों के अंदर से गुजर रही हैं। गाइस बुरा मत मानना भाई, लेकिन यहाँ मज़ा बहुत आ रहा है, अभी मज़ा आ रहा है, कभी कभी कष्ट भी होती है। व्यू देखो भाई, यार मेरा कैमरा बंद करने का मन नहीं कर रहा है। तुम लोग यार कमेंट करना अगर मैं ज़्यादा रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो, मैं बंद कर रहा हूँ आगे करता हूँ। ओ भाई ये है खुशी का इजहार भाई, खुशी देख रहे, खुशी चेहरे पे भाई। तराज कभी भूलेंगे नहीं इसे हम, क्योंकि भाई बहुत साइकिल चलाई है इस तराज के लिए। ओ अभी और बहुत दूर है। ये है वैली, ये है वैली, और ये देखो पहाड़, बर्फ से घिरे हुए पहाड़।
उधर भी पहाड़, इधर भी पहाड़, इधर भी वैली, ये बस स्टैंड है। मतलब इतने नेचर में भी बस स्टैंड होते हैं, इतनी अच्छी जगह पे हैं, देख रहे हो? ओ भाई हमें लेकिन अभी तक कोई आदमी नहीं मिला है यहाँ से। आज तक हमें कोई मिला नहीं है किसी भी बस स्टैंड पे। गांव में कुल 5,000 लोग रहते हैं। किसी किसी गांव की आबादी बहुत कम है, किसी की ज़्यादा है। ये रोड वो देखो नज़ारे वाली। इतनी दूर चलने के बाद ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे रेस्टोरेंट है भाई। यहाँ पे देखते हैं अंदर क्या क्या है। ऑनलाइन है नहीं है, कॉफ़ी, ब्रेकफास्ट। नो कार्ड कितने का है? 1,000 भाई। ये ब्रेकफास्ट बटन समोसा। ये रेस्टोरेंट है। टंगी गर्म पानी लिया हमने 100 टंगी में, और उसमें हमने अपनी कॉफ़ी मिला ली, और ये नेचर के साथ एंजॉय करने लग गए। पहले तो ये सोचा था कि इसके पैसे नहीं लेगा वो। अच्छा, लगा 100 टंगी ले लिए। कोई बात नहीं, कम लिए हैं। कॉफ़ी के 500 टंगी ले रहे थे, कॉफ़ी हमारे पास पड़ी थी तो हमने चलाखी चला ली हमने दिल्ली वालों ने। 2 रुपये की कॉफ़ी मिलाई। ये एक छोटा सा शहर है जहाँ से ट्रेनें जाती हैं पूरे। आप जा सकते हो ताशकंद, अलमेटी, अस्ताना। रास्ता तक चलते जा रहा है। हमने जितनी मेहनत करी थी ना, उसका फल अब मिल रहा है हमें। मतलब लगातार कम से कम 20 किलोमीटर से साइकिल ऐसी जा रही है बिना पैडल के। तो भाई जा रहे हैं बाइक से, बिना पैडल के जा रही है। यहाँ पे एक नदी आई है, नदी दिखाता हूँ मैं आपको। ये वो नदी है जो मैप में दिखा रही थी। ये देखो, देख रहे हो? अब हम नीचे जाते हैं, देखते हैं क्या एंजॉय कर सकते हैं नीचे। ये कुछ वो नीचे गाय भैंस भी हैं बांधने के लिए, पोटी देख सकते हो उनकी। वहाँ हमने अपनी साइकिल पार करी है, मोबाइल भी उसी में लगा है, कोई नहीं चुराता है। यहाँ पे चोरी वोरी का कोई झमेला नहीं है, आप छोड़ के चले जाओ, कोई भी आपकी साइकिल वहाँ अपनी तक नहीं लगाएगा। बोतलें यहाँ भी लोगों ने अपनी आदत नहीं छोड़ी, बोतलें फेंक फेंक के गंदा कर रखा है। पानी तो साफ है, उतना गंदा भी नहीं है जितना गंदा पीछे था। ये देखो तो कितनी तंदुरुस्त और तगड़ी गाय है गुरुजी। हरी भरी ये देख रहे हो, इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहे हैं विंड से। एक यहाँ पे और एक पीछे, कम से कम ऐसे 10 कौए, 10 क्या 50-100 कौए होंगे। और भी अलग अलग तरह के बर्ड्स हैं जो हर जगह एक्सीडेंट की वजह से जो है ना। ये देखो, ये देख रहे हो, आधे तो उस पार है, उस पार पता नहीं कितने मरे होंगे। इनकी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आ रही होगी? तो सामने देख रहे हो आप, पूरा का पूरा वो जो ब्लैक पोर्शन दिख रहा है ना आपको, वो सब का सब इलेक्ट्रिसिटी का, सोलर का इन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं सोलर से, वो देखो भाई। और बहुत ही बड़े स्पेस में लगाया हुआ है, मतलब ये सोलर से इलेक्ट्रिक बना रहे हैं अपना यहाँ पे। वाह भाई वाह, ये सही है। उधर कोई लेक है,
लेक है मेरे ख्याल से, लेक। अब सिर्फ 50 किलोमीटर बचा है, आज हम पूरा कंप्लीट ही कर देंगे था रास्ता। रोड अच्छे आ गए हैं ना, देख रहे हो ना आप व्यू, एक तरफ लेक है, एक तरफ पहाड़ है, एक तरफ रोड है और एक तरफ ये वैली है, खेत सब है यहाँ पर। इसमें पानी देने का सिस्टम ये मैंने सिर्फ YouTube पे देखा था, बड़े आराम से देखता था मैं पहले कि भाई कितनी अच्छी टेक्नोलॉजी है ये खेत में पानी देने का सिस्टम। आज मैं इसको पास से देख रहा हूँ, ये देखो वाओ, अच्छा एक्सपीरियंस है भाई। देख लो थोड़ा सा कितना अच्छा व्यू है, देख रहे हो उधर पहाड़ हरे हरे, उधर बर्फ के पहाड़। भाई ये व्यू है, यहाँ पे एक रेस्ट करने के लिए बनाया हुआ है और उधर खेत है, उधर पहाड़ है, ये टॉयलेट। तो अभी अभी एक उज्बेकिस्तानी मिले हैं और गुरु जी को 1000 सोम दे के गए हैं गिफ्ट। मुझे तो अमेरिकन ही बोलता है, मुझे कोई इंडियन बोलता ही नहीं है। अमेरिकन, कनाडियन, यूरोपियन, इनको अंग्रेजी बोलता है। इनको तो बांग्लादेश में जो है टिकट लग गया था अंग्रेज का, मुझे तो जाने दिया, मुझे पकड़ इनके चक्कर में मुझे पकड़ लिया कि भाई दोनों तुम गड़बड़ हो। तो भाई ये हाल है कुछ यहाँ का, अच्छे लोग ही मिलते हैं इधर, बहुत अच्छे लोग ज़्यादा हैं, बुरे लोग कम हैं। कौवों की आबादी बहुत है यहाँ पे, क्योंकि मरने की उनसे पता चल रहा है। देख रहे हो पूरे खेत में कौए कौए, पीछे भी कौए कौए, इधर भी कौए, और बड़े वाले कौए हैं बिल्कुल एकदम। यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट लिया है, साइकिल यहाँ पार्क कर दी है, देख सकते हो। निकलेंगे अभी थोड़ी देर में, यहाँ पे पुलिस वाले हैं और हर बार किसी न किसी को रोक रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं। अभी इसके हाथ बिल्कुल अंग्रेजों वाले स्टाइल में करवा दिए थे ऊपर, जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में देखते हैं ना, गाड़ी के ऊपर हाथ रख देते हैं। अभी इसका भी कुछ करने वाले हैं, दूर खड़े हो, दूर खड़े हो जाओ उधर।